अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। खवातीन हजरात, आज है चांद रात। कल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। पाकिस्तान में चांद रात की तरह आज की रात मनाई जा रही है। पेशावर में हाउएवर कल ही मैच देख लिया गया है, वहां से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर कल वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते खुदा ना खास्ता, तो भाई इस हार में ऐसा है कि हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ये उम्मीदें वाबस्ता नहीं रह गई थी कि वो फाइनल में पहुंचेंगे। बहरहाल वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए तो यही ऑलमोस्ट जीत सी है। लेकिन अगर हम जीत गए, जो इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआएं हैं कि हम जीतेंगे, अगर हम जीत गए तो आप सबने हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी इख्तियार करनी है, और उन लोगों का सोचना है जो आज सफ़र कर रहे हैं, वो लोग जो दर्द में हैं, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट टीम की, जो 10 विकेटों से इंग्लैंड से हार गई। जब तक ये शो चलता रहेगा, मैं इसी तरह जख्मों पे नमक छिड़कता रहूंगा। अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है साबिक कप्तान मर्दे बुरान मुईन खान। कैसे हैं मुईन भाई? फाइन, थैंक यू। दानिश, कैसे हो तुम? दानिश वाला मजाक जो आप करते हो ना रेगुलर मुझसे। सोहेल खान के बाद मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर आदमी हसीन इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खुश हैं आप? अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। मैं जो ये आप रेगुलर मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं इसका क्या मतलब लूं? नहीं कुछ मतलब हमें पता है, आप आगे चलाएं शो। इन दोनों के दरमियान मौजूद है पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान कुबरा खान। कैसी है कुबरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं कुबरा। इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें, मैं सवाल आपके आगाज करूँ, आप ये कैमरे पर हाई कर लें। हेलो, बस ठीक है, जिनको पहुँचना था उनको पहुँच। Okay. मुझे किसी ने कहा था कुबरा से हाई करवा दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि हम जो गेस्ट आते हैं उनसे एक ट्रिविया खेलते हैं, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज जज करते हैं हम, बल्कि जज ही करते हैं उनको टोटल। तो ऐसा है कि अगर आपको जवाब ना भी आए तो आप तो कम मारिएगा। ओके, ऑप्शंस है, ठीक है, ठीक है, हेल्प ले सकती हैं, ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस, अच्छा ठीक है, हेल्प ले सकती हैं। इनकी हेल्प पे ट्रस्ट करें ना करें ये अलग बात, आपसे ले सकती हैं, मुझसे आप हेल्प लें, मैं बहुत हेल्पिंग आता हूं। पहला सवाल, लिटिल मास्टर का खिताब सबसे पहले किस बैट्समैन को मिला? ऑप्शंस है मोहम्मद इरफान, मास्टर जमशेद, जोशुआ लिटिल या हनीफ मोहम्मद। इसमें हिंट है, ऑप्शंस में हिंट है, मास्टर मास्टर जोशुआ लिटिल भी तो थे। हाँ, नहीं, इसके मास्टर का नाम भी है ना, सो हनीफ मोहम्मद भी है। हनीफ मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद। आप जानते हैं हनीफ मोहम्मद कौन थे? पाकिस्तान के सबसे बड़े लेग स्पिनर, बहुत बड़े बड़े। ये पता था कि लिटिल मास्टर कहा जाता था उनको। हाँ, नहीं तुक्का मारा मैंने, तुक्का मारा मैंने। आपको पता है भाई पाकिस्तान में अभी टॉप ड्रामा कौन सा चल रहा है? पता है आप लोगों को पता है क्या? ताबिश हाशमी। अच्छा, साउथ अफ्रीका को चोकर्स क्यों कहते हैं? वो बहुत चौके मारते हैं, उनकी विमेन क्रिकेट टीम चोकर्स पहन के खेलती है एज अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ अ ग्रेट वुमेन इन साउथ अफ्रीका। वो हमेशा क्रूशियल मैचेस में हार जाते हैं, या आकिब जावेद ने बिला वजह बदनाम किया हुआ है? क्रूशियल मैचेस में हार जाते हैं। अरे वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही खेली, बिला जी में डरी नहीं थी, बड़ा जी नहीं। आकिब, मेरे ख्याल से मैं अब दूसरा पैनलिस्ट देख रहा हूँ कुबरा के अंदर, मुइन भाई के साथ अगर दो खान हो जाए। फास्टेस्ट सेंचुरी ओडीआई में किसने बनाई? शाहिद आफरीदी, ए बी डिविलियर्स, बाबर आजम या कोरी एंडरसन? आई डोंट नो दिस। पहुंच रही हैं, पहुंच रही हैं। किसने किसने किसने? एबीसीडी आपको आती है? तो मैंने ऑप्शंस देता हूं, शाहिद आफरीदी, ए बी डिविलियर्स, बाबर आजम या ए बी डिविलियर्स। वेरी गुड, मैं अच्छी अच्छी अच्छी। आखिरी सवाल, बल्कि आखिरी नहीं, विकेट कीपर रनअप के दौरान बैट क्यों जाता है? ऑप्शंस हैं, खड़ा हो तो नो बॉल हो जाएगी, बी उसके घुटने खराब हैं बेसिकली, सी बैट के काम आसानी से हो जाता है, डी उसकी मर्जी। खड़ा हो तो नो बॉल हो जाएगी। अरे ये विकेट कीपर बैठे इनसे तो पूछ लें क्या? अपनी मर्जी होती है। Really? Yeah. I didn't know that. लेकिन उसमें आसानी टेक्निक है बेसिकली, बाउंस के साथ बॉल के विकेट कीपर खड़ा होता है ताकि उसको पकड़ने में आसानी, ऐसा है नहीं? बिल्कुल ऐसी है। आप बताओ, आप नीज पे होते हो या अपने टोस के ऊपर होते हो, तो ऊपर जाना जंप करना इजी है, आप सीधे और दोबारा नीचे जाना पड़े, इट्स डिफिकल्ट। स्प्रिंग इफेक्ट की तरह। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप में किस एक बैट्समैन ने एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए? ये हो चुका है टी20 वर्ल्ड कप में, शाहिद आफरीदी, अगेन एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह या फिर इमाद वसीम। खाए या लगाए? खाए नहीं, लगाए। बहुत अच्छे मार जा रहा है युवराज सिंह। यस, राइट, नाइस भाई। आई एक्चुअली रिमेंबर वाचिंग दिस मैच, इंग्लैंड के अगेंस्ट लगाया उन्होंने। ओडीआई वर्ल्ड कप में किस बैट्समैन ने एक ओवर में 6 पे 6 छक्के लगाए, 6 बॉल्स पे? केरन पोलार्ड, हर्षल गिब्स, शाहिद आफरीदी या फिर मुइन भाई। नाम ले जिसने मारे
दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हर्शल गिब्स और बचे केरन पोलार्ड. केरन पोलार्ड नहीं, हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर थे. उन्होंने मुंबई में किस टीम, छोटी टीम थी कोई, मारे भी दो आपने एन बिशप को. एन बिशप यॉर्कर भी मारते ना, यहाँ तक आती है, इतने लंबे बॉलर थे. मेरे से ना पूछिए, हाइलाइट्स देख रहा था किसी मैच की, चेस कर रही थी इंग्लैंड, बड़ा क्लोज मैच गया था, T20 का मैच था, मैं 233 स्कोर किया था शायद. उसमें माशाल्लाह से मैंने आपकी बॉलिंग देखी. हाँ, वो मुझे जेसन रॉय ने मारा था, लेकिन अब वो जीत गए थे. हाँ, और मेरी विकेट से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मॉर्गन का आउट किया था वो. ऐसा है हमारा इमाद. ऐसा है. नहीं, मैंने इमाद का एक आई थिंक 2018 का PSL हो रहा था, तो आई वाज देयर एक्चुअली दुबई में. इमाद को चोट लगी थी एंड आई रिमेम्बर कि पूरा जो क्राउड था वो परेशान सा हो गया था. हम सब परेशान. या एग्जैक्टली, बट ही स्टिल कैरीड ऑन प्लेइंग आफ्टर अ कपल ऑफ डेज व्हिच वाज ग्रेट. सो कंकशन हुआ था. कंकशन के नाम इमाद, अल्हम्दुलिल्लाह. या आई नो, आई रिमेम्बर. गुब्रा, आपकी नॉलेज जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, स्पॉट बिल्कुल ऑन द स्पॉट थी. चलें अगला गेम, या फिर हम वो वहाँ जा रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं टर्नर साहब, अली असमत को ले रहे हैं. चलें ठीक है. ख्वातीनों हज़रात, आज हमारे साथ एज यूजुअल एस मौजूद हैं, पाकिस्तान के द ओनली ट्रू रॉक स्टार दैट पाकिस्तान हैज. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली असमत. वाह वाह, थैंक यू अरे को तुझे एक बात बताऊं, मैं ये देख रहा हूँ तू बड़ा बददिली से आया मेरी तरफ, यानी तू कोशिश कर रहा था कहीं और तू उठ जाए, सुझाऊ तेरा दिल नहीं था. मैं तुझे बताऊं, यू हैड टू डू इट. तूने मुझे बुला के यहाँ पे, को मेरे प्यो पे एहसान नहीं किया. यू नो, पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी जीत को मेरे अलावा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, यानी उसको रिलेट ही नहीं कर पाती. अब तू सोच ना कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप उठाया और पीछे गाना चल रहा, पावे वो तू बोला तनुल जोड़ो. अच्छा अली भाई, अली भाई, अली भाई, और कहा वो वर्ल्ड कप उठाया और आवाज है जज्बा जुनून टेम ना वैंक पाउ बबा बैंक पाउ बबा बैंक पाउ बबा बैंक. बहुत 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 अली भाई, आपने अपनी मसरूफी बात सुनो. ये हाँ, कहिए कहिए. मैं ये मोइन भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं. हाँ. अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो यार मोइन भाई, खुदा का वास्ता है, थोड़ी सी फ्रेश एयर लें. वो मैं कराची कभी आऊंगा, मुझसे टाइम लें, कुछ सी व्यू पे बाउंड बाइंड डाल के दोनों भाई चले. मैं आपको बताऊं, आपका इतना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर जितने घास के तिनके, इतने करोड़ आपको यूं कमा के दे सकता हूँ. इतने करोड़, इतने दिमाग है मेरे पास, इतने आसान है. ये जो आपने, नहीं मेरी सजेशन तो लेना. हाँ, ये जो आपने जो इतना बड़ा पवेलियन बनाया हुआ है, आप इसको किराए पे दे दें, यहाँ लगा दें स्नूकर. फिर जो आपने ये प्लेयर, ये जो इंक्लोजर अपना बनाया हुआ है. हाँ, गेस्ट का, गेस्ट इसको खत्म कर दें. आप यहाँ बना दें गर्ल्स हॉस्टल, सामने बना दें बॉयज हॉस्टल, दरमियान में आप लगा दें कैंटीन. उसमें क्या है, कैंटीन में रख लें इमली और समोसे, तो लड़कियां आएंगी इमली पे, लड़के आएंगे समोसे पे, आप उसमें खाना पीना चलता रहेगा. मोहन भाई, आपके पास बेशुमार पैसा भाई, बात सुने ना, स्क्रिप्ट में मेरे सवाल भी हैं. हाँ. पहले हस्बे रिवायत, मेरा सवाल तो जी मैं आप अली, इजाजत है एक सवाल कर सकता हूँ जी? यस, लेकिन वो मैं इजाजत में टाइम लग जाएगा. नहीं, सवाल करें ना प्लीज. दुपट्टा सिद्धू से लिया है? कल सिद्धू ने पहना हुआ था. अली भाई, अली भाई, अली भाई, फिजिकल अपीयरेंस पे बात ना करें. कुबरा जी बैठी हुई है उनके सामने मेरी, आपने जो है ना मार्केट कम नहीं करनी. और कुबरा जी आपने घबराना नहीं है, मुझे देख के लगेगा आपको रजाई में से घोड़ा बाहर आया हुआ, लेकिन ये मेरा स्टाइल है. आपका भाई हमेशा से स्टार था, जब बाल लंबे थे तो संजय दत्त था, बाल नहीं है तो गंजे दत्त है. अली भाई, अली भाई, आप कुछ ना बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, आपने आपने मसरूफे से टाइम निकाला, आप माइयों बैठे हुए थे, इट्स वेरी एविडेंट. मैं पूछना चाहता हूं, कल पाकिस्तान का फाइनल है, क्या सजेशंस देना चाहेंगे क्रिकेट टीम को? देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मैच हो रहा है, पूरा पाकिस्तान या सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान टीम के ऊपर है. मैं समझता हूँ इनको ये गोल्डन मौका फिर नहीं मिलेगा, इनको प्लानिंग करनी चाहिए. मैं फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, जो एक एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये लोग करें, आपकी 72 साल की कैंपेन पीछे रह जाएगी. और मुझे यकीन है अगले वर्ल्ड कप तक आपकी पॉपुलेशन का जो मसला है ये कंट्रोल हो जाएगा. रहा मसला मैच का, वो भी बड़ा सिंपल है, हर खिलाड़ी को चाहिए रात को एक एक ग्लास दूध का पिए, ताकि वो जल्दी बड़े हों, उनकी हड्डियां मजबूत हों. बर्तानिया वालों को डॉक्टर, यार मुझसे पूछ
पूछता है मैं खिलाड़ियों की अम्मी हूँ वो मैं विदेशी हूँ तू मुझे पूछ राज दरबारी क्या है मल्हार क्या है मालकोस क्या है अल्लाह के फजल से अगर तू ये भी पूछेगा मुझे ये भी नहीं पता मैं म्यूजिक अच्छा म्यूजिक पे आता हूँ ना मैं म्यूजिक पे आता हूँ मैंने सुना था बांदे में खान साहब कहते थे भाई नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ सुने अब 2022 चल रहा है आप क्या समझते हैं क्या टीम को सुनना चाहिए बाबर को क्या सजेशन देंगे क्या इजी इजी चिल रिलैक्स देखें कवालियाँ हरगिज नहीं सुननी चाहिए कवालियाँ चढ़ भी जाती हैं इंसान को लगता है खान साहब को आजकल कवालियाँ चढ़ी हुई सारी कौन को उन्होंने देखे ना हमने वहाँ बना के तालियों पर लगा दिया हुआ है बाबर को चाहिए रिलैक्स रहे अगर कल बारिश होती है तो कोई बात नहीं मेरा गाना सुन ले वो बरस दावन गिर आयो नचू नचू वेरी सिंपल और इजी रहे बिल्कुल कोई मुन्नी की बदनामी सुन ले शीला की जवानी सुन ले कटरीना का वो सुन ले वो जो है वो क्या कहते हैं उसको हाँ वही वही जो सुन लूंगा मैं जो जमीन से ऊपर गाना नहीं मैं कमली कम नहीं मैं कमली कमली हाँ लेकिन वहां तक जब उसने जैकेट उतारा बस उससे आगे नहीं ये ना दीवारों में बैठे फिर डिस्टर्ब होंगे मैच अच्छा अली भाई बात सुने अली भाई कंट्रोल करें ना अली भाई मैं पूछ रहा था कि कल किसकी जीत देख रहे हैं बस आखिरी सवाल है ये कल मैं क्रिकेट की जीत देख रहा हूँ मेरे भाई अच्छा। पाकिस्तान जीतता है तो क्रिकेट की जीत इंग्लिस्तान जीतता है तो क्रिकेट की जीत मैच ड्रॉ होता है बारिश होता है तो क्रिकेट की जीत आप देखे ना पाकिस्तान इतने मैचेस खुदा ना खासा हारा भी तो है लेकिन आप जश्न क्रिकेट कर रहे हैं तो भी क्रिकेट की जीत हुई है हार सूरत हुई है क्रिकेट की जीत तू उसको छोड़ यार मुझे ये बता तू पक्का हो गया तू मुझे लास्ट 3 माह पहले मिला था तू मुझे कह रहा था जो मेरी हरकतें हैं उन्होंने मुझे निकाल देना है अभी तक तुझे निकाला नहीं मजीद आपको शो पे रखा तो मैं भी और आप भी सवाल ए बात इमाद वसीम से एक क्वेश्चन मैंने तुझे पूछना है सिर्फ जाते जाते अगर इजाजत दे दो इमाद यार आप जेल भी लगाते हो माशाल्लाह काला चश्मा भी लगा के बॉलिंग करते हो कभी ऐसा हुआ हैंड फ्री भी लगा के बॉलिंग कराई हो इधर आप कुछ पांड्या ने 3 छक्के मारे हो और आपके कान में आवाज आ रही हो नच मचा गिण नच मचा गिण नच मचा गिण इस सवाल के बाद अली भाई का मजीद बनता नहीं है बहुत शुक्रिया अली भाई बहुत शुक्रिया कुबरा बस ठीक है बस कुबरा अब ऐसा है कि वो वक्त आ चुका है कि आपके साथ 500 की दौड़ खेली जाए आप इस गेम से वाकिफ है ना जी जी बिल्कुल है नहीं जी भी है तो बस आपको वाकिफ होना पड़ेगा कहना पड़ेगा टाइम ही नहीं है आपके आपको समझाया जाए शुरू करेंगे मुइन भाई आपको ये पता है कि इस शो को जो लीड कर रही है इस गेम को वो आयशा उमर है जी जी अच्छा, सब बात में बताना जरूरी है न्यूज पूरे पाकिस्तान बार बार इन्फोर्स करना ब्रेकिंग न्यूज शोरों के पट्टी चलाओ पट्टी आप चलाएं जी लाल करते हैं अगर पट्टी हो सके वो के आयशा उमर के जो है वो 475 लेकर अव्वल नंबर बड़ी बात कुबरा ये चांस है आपके पास आपने जो है आज इनको आयशा उमर को बीट करना है मगर ना भी करें तो मैं बुरा नहीं समझता इस बात पहला सवाल मुइन भाई आज तो आपने कोई पेपर लीक नहीं किया आंसर लीक नहीं किया ना ठीक पहला सवाल कितने फीसद लोग नींद में बोलते हैं इमाद से पहले पूछूंगा कितने फीसद लोग नींद में पहले बोलते हैं 25% कर लेते हैं 25% लोग नींद में बोलते हैं कुबरा ये बात 30 30 ठीक है कुबरा 30 मुइन भाई हाथ आप पीछे रखें हाथ मुइन भाई 30 कुबरा ने बोला इमाद ने बोला 25 32% मुइन भाई 32% मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ हारा नहीं किया 32% मुइन भाई को लॉक कीजिएगा 30% पर कुबरा है इमाद वसीम 25 नंबर्स लेकर मुइन भाई लीड इतनी बड़ी है ना कि आपके साथ मतलब थोड़ा बेहतर और करना होगा आप 35 कर ले यार नहीं यार 32 ठीक है अभी बहुत ही क्लियर हो जाएगा 37% कोई चीटिंग नहीं हुई ना 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 कि दिल से दिल को राय हाथ ऊपर रख के सवाल करें आप प्लीज यस ऐसे सही अजी इशारे करते हैं यार ऐसे कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह मुइन भाई नहीं करें ना ये माशाल्लाह कितने फिर वो कह रहा है कि इशारे कर रहे हैं आप वो मैं नहीं कर रहा कोई इशारे नहीं आपको एवी कंट्रोवर्शियल बना रहा है आज नहीं मुइन भाई से दो दिन रह गए यार इमाद से दूर दूर रहिएगा बहुत बड़ी लीड है अब बात करें ना कितने फीसद छोटे बहन भाई अपने बारे बड़े बहन भाई के कपड़े पहनते हैं ये एक नेशनल इशू है मुइन भाई से नहीं पूछूंगा इमाद से पूछूंगा पहले ये तो पहनते हैं काफी पहनते होंगे हाँ 50% पे जाना चाहूंगा 50% पे जाना जी मुइन भाई को 50 इमाद को 50 पे लॉक करते मुइन भाई कोई अगर चुपती हुई बात कर दे कहां जाके लगती है बोलिएगा नहीं सिर्फ सोचिएगा समझ गए ये देखो आपका अच्छी लिंगो में बात हो गई तो है ना
तो अब मैं घबरा से मुझे समझ आती हाँ भाई घबरा कितने फीसद लोग छोटे बहन भाई के कपड़े पहनते हैं बड़े बहन भाई के कपड़े पहनते हैं I think 65-70% रेंज नहीं दे सकती एक बताना होगा तो 70% ठीक है 70% ज्यादा ही होगा आई थिंक एक बनियान का और ये जो शर्ट्स होती इनका तो एक सफर होता है पहले नई लाई जाती हैं बच्चे को पहनाई जाती हैं फिर उनके छोटे भाई फिर पोछा फिर गाड़ी साफ करने का कपड़ा मैं बढ़ा लूं थोड़ा सा नहीं कुबरा ने कह दिया 65 का ना कुबरा नहीं 65 का कुबरा ने मोइन भाई इसको एक मौका देते नहीं ना 50 कुबरा 65 का ना आपने जी बस 65 पे लॉक करते मुइन भाई मैं भगा भी देता हूं मैं बता दूं मुझे कहने 70% सही 70% पे मुइन भाई को लॉक कीजिएगा और कुबरा को 65 पे रख कुबरा ऊपर नीचे करना चाहती हैं कोई सेकंड थॉट्स आ रही हो आई थिंक आ भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो नहीं सकता टाइम ही नहीं है अब सही है भाई आवाम की राय लीजिएगा आवाम देखते हैं क्या कहती है मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ मेरी आंखें ही छोटी छोटी सी है कुछ पता नहीं चलता ये क्या कह रही है मैंने क्या कहा था समझ गए आप क्या मैं इस ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कुबरा 99 स्कोर हुआ है वेरी गुड ब्रेक नहीं लेना सही है कितने फीसद खवातीन चीटियां बजा सकती हैं ये असली गैलप के सर्वे भाई मैं अपने घर से नहीं लाता ये सर्वे वाकई गैलप पता नहीं क्यों गैलप वाले सवाल पूछते हैं आप सीटी बजा सकती हैं सवाल मेरे घर कोई इस तरह का सवाल पूछने के आप सीटी बजा सकते हैं बोलो निकल यहां से थप्पड़ बजा सकता हूं मुइन भाई आपसे नहीं पूछूंगा ये बेकार है आपसे हाँ मेरे पास ही आ रहे अरे मुइन भाई पे खवातीन की सीटियां एक जमाने में बजती थी अच्छा आप तो फूके मारती फूके बेटा जीते रहो फू उसकी लो परसेंटेज होनी चाहिए मुझे आप ये पूछते क्यों हाँ ना कहे ना यस या नो हाँ 15% पे जाना चाहूंगा मैं 15% पे जाना चाहूंगा वेरी गुड 15% पे मात को लॉक कीजिएगा मुइन भाई बस का किराया ना हो तो बोलते ना ये वाली बस पकड़ लो कौन से नंबर की बस होती है वो ठीक है यार देखो यार सवाल था कितने फीसद खवातीन सीटियां बजा सकती आप सीटी बजा सकती हैं नहीं व्हिच इज व्हाई आई थिंक लो नंबर ही होगा लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो बजा सकते हैं रैशनल है आपके पास के कम बजाती हैं लड़कियां 20 या 25 के बीच में कुछ ऐसा आप ये बार बार जो ये रेंज देकर मेरा टेस्ट कर रही है ना कुबरा मैं बार बार कर नहीं पाऊंगा अगर मैंने ज्यादा किया तो मैं शाहजेब खान ज्यादा के शो में मिलूंगा जवाब देता हुआ 20% आप कह रही हैं तो 20 कर लेते हैं भाई आप आंसर 20 के आसपास ही रखना है 20 का 20 पे लॉक करें मुइन भाई 25% इट्स वेरी क्लोज बहुत क्लोज है करो लॉक अब 25% पे कर दो भाई 25% पे मुइन भाई को लॉक वो भी नहीं लॉक कर रहे वो भी नहीं लॉक कर रहे वो भी मुइन भाई देखें मुझे चंद मखसूस लोगों कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें ब्रेक लेते हैं खवातीन औजार इस ब्रेक को मशकूक ना बनाइएगा आपने क्या कहा वैसे 25% का आप दोनों के लॉक हो चुके हैं सही मुइन भाई का 25% है जो लिम्बो में है ऊपर नीचे हो रहा है लॉक हो गया लॉक खवातीन औजार ब्रेक लीजिए जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा वापस आइए जल्दी से हमें अकेला मत छोड़िए खवातीन औजार वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट मेरे साथ मौजूद है मुइन खान कुबरा खान और इमाद वसीम सवाल फंसा हुआ था मुइन भाई कि कितने फीसद खवातीन सीटी बजा सकती हैं आपने इमाद ने कहा 15% कुबरा ने कहा 20% और मुइन भाई आपने कहा 25% मुइन भाई आपका मीटर चल रहा है मीटर चालू है मीटर डाउन है नहीं छोड़ो लॉक 11%
मैं 12.5 कहने लगा था, 11% सेकंड थॉट में 12.5 12.5 कौन सा आप यार इतने सालों से आगे है कोरंगी 12.5 तो मैं नहीं पता कोरंगी साढ़े वो डेढ़ नंबर ढाई नंबर है 12.5 नंबर मुझे पता है। आपकी हिंट अच्छी नहीं थी, हिंट मेरी बहुत अच्छी थी, पूरा पूरे कराची ने 11 बोला है। अच्छा, आप एक और एक कहते हैं, एक और एक क्या होता है फिर समझ। अब बहुत मैं 11 ना बोल देता डायरेक्ट यही कर रहे हैं आप। ये देखो यार क्लियर। अगला सवाल, कितने फीसद लोग जलसों में सिर्फ बिरयानी के लिए जाते हैं? कितने फीसद लोग जलसों में सिर्फ बिरयानी के लिए जाते हैं? इमाद वसीम मुझे आप इन लोगों से मुझे नहीं पता, मैं आपसे ही पूछूंगा, जिद है मेरी, मुझे फसाना है। 40% पे मात को लॉक कीजिए। इमाद आप कभी जलसे में गई हैं? नहीं। जाना चाहती हैं? नहीं। मैंने हिंट्स ले लिया। ठीक मुझे बचपन के दिन 5-10% ज्यादा नहीं होंगे जो बिरयानी के लिए जाते हैं जलसों में। हाँ मुइन भाई ये उल्टा, मतलब कितने फीसद लोग जलसों में सिर्फ बिरयानी के लिए जाते हैं? मेरी नजर आप पे है, मुइन भाई देख लीजिए, साइंस कहती है कि इंसान क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या जाना चाहिए 40% का। कुबरा ने कहा 45 बोल के 55 बोल के 45 पे आ गई, याद आते हैं मुझे वो बचपन के दिन, नो कश्ती वो पानी वो बरसात 30% पूरा मुल्क देख यार रहा है। मैं जब कुछ बोलता हूं आप मेरे जवाब को आप डिस्टर्ब, आपका ऐसा इमेज था, आप सबसे इंटेलिजेंट कीपर थे, सबसे अच्छे कप्तान थे मेरी नजर में मुइन भाई। मैं इसीलिए स्पोर्ट्समैन बना हूं बेटा, पढ़े पढ़े लिखने में बहुत पीछे था मैं। खातिर हजरत आप लॉक कीजिए 30%। मैं बोल रहा हूं लो मुझे लग रहा है इसके अंदर, आप पता नहीं क्यों मेरा जवाब क्यों चेंज कर रहे हैं। 30 पे लगाओ यार, खत्म करो बस, 30 पे लगाएं मुइन भाई को। हां लगा दे मुइन भाई 30 पे। खातिर हजरत अब आवाम की राय लेंगे आप। कुबरा आपने 45% कहा जी, आप पछताएंगी देखिएगा। खातिन आजाद की मैं 55 कहने वाली थी इसलिए मुझे, आप छोड़ दें मेरे ख्याल से, यकीन माने मुझे पता लग गया था इसका आंसर। मुझे मिला है ना, आप जीत गई, आप जीत गई, आप जीत गए पता नहीं, मगर वो आयशा वाली बात नहीं आई अभी तक। ठीक ये कनाडा जा रहा है शो डिनर के साथ जा रहे, कटवा दूंगा मैं। आखिरी सवाल, कितने फीसद लोग लिफ्ट में चढ़ने से डरते हैं? इंपॉर्टेंट मेरे से ही पूछने सारे आज मुइन भाई से, आज पूछ ले फिर हिंट मुझे से। यार वो इतना पीछे रह चुके हैं क्या फायदा नहीं। कितने फीसद लोग लिफ्ट इस्तेमाल करने से डरते हैं? 30% पे मात को लॉक कीजिए। हाँ मुझे फौरन लॉक कर लॉक कर दे, मत बंद कर दे। मुइन भाई आपसे पूछता हूँ 29%। अच्छा मतलब इतना मुकाबले में आ जाओगे आप, 29% पे इनको लॉक कर दीजिए। कुबरा अच्छा आई थिंक इट्स हायर, जो भी है मुझे लगता है, मैं हिंट्स नहीं देता हूँ। 65% ish 60-ish 70 कर ले। ठीक है 55 अगेन। मैं देखिए मैं जो जानता हूँ वो ये है कि भाई जो क्रिकेटर्स होते हैं ना इनकी नॉलेज अच्छी होती है, ये अच्छे लोग होते हैं, इनके बारे में मशहूर होता है कि इनका जो वो होता है ना एंटिसिपेट कर लेते हैं चीज़ों को, बस मैं इतना कहूंगा। लेकिन आपने कहा 65% ठीक पहले दिन से, एक बात बता दो ये गेम नहीं है, जल्दी जो हुआ है पहले दिन से हमें पता है गेम नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट लग नहीं रहा। जल्दी आई थिंक 50 से 65 मैं अपनी तरफ से 55 पे लॉक कर। एग्जैक्टली आप देख रहे हो कितना मैं अकोमोडेट राय लेंगे 55 पे कुबरा थी, 30 पे इमाद और 29 पे मुइन भाई। नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, देखिए बाखुदा मैंने नहीं किया 29%। मैं आपको एक आपस की हकीकत बात बताऊं, इसने ऐसी चीज बोला मैंने कहा कम बोल दो,
मुझे तो नहीं समझ, मुझे लगता है कोई जो चीज स्टेक पे, मेरी अम्मी अगर देख रही है वो, मेरी अम्मी अगर शो देख रही है, कोई बाहर डील तो नहीं है। देखो मेरे साथ क्या होता है, रोटी के लिए क्या करना पड़ा भाई, स्टेक क्या, ये तो बताएं आप। मैं बताता हूँ, मैं मुझे कल भी ये बताया गया, अभी दो दिन है भाई, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ही निकल जाएंगे, इश्तिहार तो ना यार, ये और क्या गलत कर दूं। नहीं आज आज आखिरी प्रोग्राम, मुझे तो नहीं पता, मैं अनाउंस कर देता हूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और ये आई एम सीरियस अबाउट इट, मुझे भी पता है, इमाद को भी पता है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, उस गिफ्ट के पीछे आप आधा आधा कर रहे हैं आप दोनों। मैं आधा करूंगा तो किसी का भी नहीं रहेगा, वो तो फोन तोड़ जाएगा भाई, आईफोन 14 प्रो मैक्स मिला है, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। कितने का है वो, कितने का है, कितने का, मुझे 5-6 लाख रुपए का, दो किडनियां लगी है भाई, बैकडोर डील कर रहे हो जाके उसको इतनी। ब्रेक के बाद अनाउंस करूंगा आज का स्कोर बोर्ड, सही, यानी कि हम वही रिवायत के मुताबिक आयशा की तस्वीर देखेंगे। ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस सही काम की नहीं जा रहे। तौदीर आजाद, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट, में साथ मौजूद इमाद वसीम, कुबरा खान और मुईन खान। मुईन भाई, कुबरा और इमाद, वक्त आ चुका है कि स्कोर बोर्ड देखा जाए और अपने आप को ये बताया जाए कि क्यों हम आयशा की तरह नहीं खेल सकते। दिखाई कहाँ कुबरा, कहाँ 447 कुबरा, थर्ड पे हैं आप यार, आप ये देखें कि स्कोर को लीड कर रही हैं चार खवातीन, आयशा उमर, एक बार फिर आयशा उमर, फिर हैं एक बार फिर आमना, आयशा उमर, फिर आमना इलियास, कुबरा खान, नताशा बेग और हम इस स्टेज के मारूफ आर्टिस्ट आकिब जावेद। मुइन भाई आप वक्त आ चुका है, खवातीन हजरात, मैंने आपको बताया कि मुइन भाई और इमाद का जो चल रहा था ये कंपटीशन पूरे जश्न क्रिकेट में, इवेंचुअली हुआ ये इसमें, क्योंकि शो अच्छा चला तो बजट बढ़ गया, तो इसमें आप इनको इनाम दिया जा रहा है और इनाम भी को सस्ता नहीं दिया जा रहा। मुइन भाई, 2-3 किडनियाँ, 1 पित्ता, आधा लिवर लगा इसको खरीदने में, आईफोन 14 प्रो मैक्स। ओहो जबरदस्त, वाओ, मुझे लग रहा था जिस तरह आज इमाद को आप दे रहे थे ना हिंट। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई मान नहीं, श्योर खवातीन आजाद, इस शो में अक्सर चीजें ऐसी लग रही होती है कि सीरियस नहीं हो रही, मगर इसमें वाकई है। जियो की तरफ से कल तक जो था वो ये था कि इमाद जो थे वो लीड कर रहे थे और एक वाजे बरतरी नज़र आ रही थी। आज ऐसा हुआ क्योंकि मैं एक अजीम होस्ट भी साथ में साइड में हूँ, साइड प्रोफेशन मेरा अजीम होने का है, तो उसमें जो था वो ये था कि मैंने आज उस पर वो पीक फैक्टर लगा दिया। ओके, तो जो भी स्कोर था आपका वो टाइम्स 2 हो गया। ओके, जो डेफिसिट था, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 100 का था तो अब वो 200 का भी हो सकता है, जो इनकी लीड थी वो 100 की थी वो 400 की भी हो सकती है। चेक करते हैं कि आज फाइनल स्कोर क्या है, खवातीन आजाद, मुइन खान वर्सेस इमाद वसीम। मुइन भाई हैव डन इट, मुइन भाई भाई जी किधर से हुआ यार, वक्त आ चुका है कि मैं स्लो एंड स्टडी, मैं स्कूल पे आए हुए चीफ गेस्ट की तरह इनाम देना चाहूंगा। मुइन भाई ये प्लीज, कुबरा प्लीज आइएगा, प्लीज आइएगा, यहां पे चीफ गेस्ट आ जाएं। मैं बोल भाई मेरे माइक के तार लगे हैं, आप लोगों की वायरिंग हुई हुई है, आप लोग इधर इधर, मुइन भाई इधर, तस्वीर में इमाद वर्ल्ड कप के स्क्वाड की तरह बाहर है। थैंक यू, ये जो होता है ना, ये आप फर्स्ट आए हैं रेस में, बहुत मुबारक हो मुंबई, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जैसे साहब से बात करता हूं अभी जाके, खोलेगा नहीं, क्योंकि आपको वो नहीं, अच्छा वेट है, लग रहा है अच्छा है, भारी है, असली हैवी है, गिरने बहुत नहीं, हैवी वैवी मत बोला, असली वाला हल्का होता है भाई। हां ऐसे नहीं, हैवी बोल दिया आप लोग, स्क्रिप्ट में रहा कर रहे हैं यार, ठीक है वो, सॉरी भाई, मैं बहुत कोशिश की मैंने आपको, मैं प्रोड्यूसर साहब से भी खत्म हो रहे थे, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इन चीजों से, अगर ऐसे मजाक कर रहे थे मुइन भाई, ये तो आपको पता है हम लोग करते हैं यार, इस तरह ऐसा नहीं है, ये ट्रू स्कोर नहीं भाई, ये जीता यही है यार, ये इमाद आपका प्रैंक बाकी था, वो हो गया, वो हो गया, जो ओरिजिनल स्कोर है बहरहाल वो ये नहीं है, ओरिजिनल स्कोर खवातीन आजाद कल दिखाएंगे, क्योंकि कल फाइनल एपिसोड है, कल का कंटेंट कहां से आएगा, इसमें जाया करेंगे ना टाइम, तो हां भाई आ गया टीम में आ गया। अब वक्त आ चुका है मीन भाई, आज हमारे साथ असली में एक सीरियस अच्छे गेस्ट, okay. हमारे मेहमान ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, क्रिस्टन टर्नर उनका नाम है, वो बहुत पुरजोश थे कि वो आए और जश्न क्रिकेट में हमारे साथ जश्न मनाएं, क्योंकि कल दोनों टीम्स फाइनल में पहुंची हैं, तो लेट्स हैव हिम ऑन जश्न क्रिकेट। हिज एक्सीलेंसी, हाय क्रिस्टन, हाउ आर यू, टुमारो इज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड हियर, व्हाट आर योर थॉट्स? Well, Tavish, thank you. It's very good to be with you on Jashne Cricket. And
I, like everybody else, am so excited for the match tomorrow. Everyone is saying this is 1992 all over again. I mean, the parallels are extraordinary. The route through the games, the semi-finals, and here we are, England against Pakistan in the final. Everybody knows I've been a huge, passionate fan of Pakistan cricket and excited about bringing England cricket back to Pakistan. We had those 70-20s in October, and of course the three tests to follow. And so these are two teams that know each other really, really well. For me, it's the best attack bowling in the game. I think the attack bowling of Pakistan, absolutely superb against the batsmen. What an extraordinary job they did in the semi-finals for England. Seeing those two to come together, I'd be very interested to see who wins the toss. And I think the first few overs of Pakistan's attack will tell us everything we need to know. Yeah, so you've said you're Pakistan cricket team's fan, but right now I can see you wearing England's blue. Who are you supporting tomorrow? Well, clearly, as you know, I support my country, I support England. I also support my host country, my home, which is Pakistan here. And I always like to say UK or Pakistan, hum ekzate, hum UK Pakistan dosti. So maybe there is one outcome that keeps me happy, which is if the rain comes. And if the rain comes and we're delayed from Sunday to Monday, if there's then rain on Monday, do you know what happens? Both sides get to win the trophy. So when I say Hame Xate, I'm supporting England, but as you know, I am also supporting Pakistan. Yes. Yes. Thank you so much, Christian. Lovely having you on Jashne Cricket. Moeen bhai, aap dekh rahe ho yaar, hamare saath Christian Turner the, he's also supporting Pakistan. Aadha bata hai. Bilkul. Badi khushi hui dekh ke waqai. Aadha bata hai. Good sir. Acha mera bhi English British accent bahut acha hai Kubra, aapka nahi hai, sirf mera bahut acha hai. Bol ke dikhao. Dikhaye. Tum Pakistani. Hey. Kal harega. Chal, Qadir Azad break ka waqt hua hai. Break lijiye, wapas aaiye. Jashne Cricket kahin nahi jayega. Qadir Azad, welcome back to Jashne Cricket. वक्त आ चुका है मुईन भाई के आज कुबरा के साथ हम खेलें अपना रैपिड फायर राउंड, जिसको हम कहते हैं क्विको. इसमें हम सवाल पूछेंगे और आपने उन सवालों के यस और नो में जवाब देने हैं. अगर एक्सप्लेनेशन मांगी जाए तब देनी है, वरना चिल करना है. ठीक. पहला सवाल, और ये बताइए आपसे एक्सप्लेनेशन कौन मांगेगा? कौन मांगेगा बताइए मुईन भाई? एक अजीम होस्ट. अजीम अभी आएगा. आएगा वो मांगेगा इस शो के बाद. फिर वही. सो अब ये है बैठा हुआ भाई अजीम. मुझे अजीम होस्ट के नाम से मैं अपने आप को मशहूर करना चाहूंगा. पहला सवाल, मेरे दिल के करीब लंदन नहीं जाऊंगा से ज्यादा नामालूम अफराद हैं. फॉल्स. लंदन नहीं जाऊंगा आपके दिल के ज्यादा करीब. हमारे दिल के करीब नामालूम अफराद फॉर ऑब्वियस रीजंस. फहद मुस्तफा is a better actor than Humayun Saeed, yes or no? Yes. Yes. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa, Humayun Akhtar कहने वाला था, Humayun Saeed से better actor है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है इसमें. Traffic signal अक्सर तोड़ देती हूँ. No. नहीं तोड़ती, उखाड़ देती. Drive नहीं करती. लोग अक्सर मुझे आयशा खान से confuse कर देते हैं. आयशा खान याद है? Of course. ठीक है. तो आयशा से अगला सवाल पूछेंगे. गौहर रशीद से ज्यादा अच्छी दोस्ती इसलिए है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, यस और नो? नहीं. तो किस लिए आपकी उनकी अच्छी दोस्ती? वो अच्छे इंसान है. अच्छे इंसान. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जवाब. वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत, और वो बेहतरीन एक्टर है. कमाल. मौला जट में मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस जो थी वो मिर्जा की थी. सेम, और कमाल की वो हॉलीवुड लेवल परफॉर्मेंस. आई कंप्लीटली एग्री. ये कहे बगैर मैं नहीं रहूंगा, हर जगह जगह कहूंगा. मैं भी कहूंगी. सेलिब्रिटी होने का अक्सर फायदा उठाती हूँ? नहीं नहीं उठाते. नहीं, उठाना पड़ता नहीं है मुझे. हाँ, वो खुद ही दे देते हैं. हाँ. मैडम आपसे बिल नहीं लेंगे. मुझे मैं, आप कभी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया आपने? कभी गए हो? फायदा कभी कभार आपको जरूरत पड़ती है तो नेचुरली आप इंट्रोडक्शन कराते हैं. सिर्फ अपना ये तो नहीं कहते कि नहीं मैं मोइन खान हूं तो मुझे ये फेवर चाहिए. जैसे वो डकैतों को आपने रेफरेंस दिए थे कि भाई मैं माय सेल्फ हूं, तो उन्होंने बोला था ना चलो आगे चलो आगे लगो हरवा दिया मैच कराई इंडिया के साथ तुमने. उन्होंने वो डाका पड़ा तो डाकू आए उस वक्त, ये क्वार्टर फाइनल इंडिया से हारे थे, तो डाकू से कहा माय सेल्फ मोइन खान विकेट कीपर पाकिस्तान. हराया तुम लोगों ने, चलो आगे लगो और चीजें ले गए. अच्छा आखिरी सवाल कि अगर मैंने कभी कोई बिजनेस किया तो बुरी तरह फेल होगा, यस और नो? आप बिजनेस एक्यूमेन है आपके अंदर, अच्छा बिजनेस कर लेती हैं, वेरी नाइस. किस तरह कोई एंटरप्रेन्योर आपके जो अंदर है वो क्या आइडिया सोच रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस का आइडिया, इसको ऐसा दिमाग में रखा हुआ क्या? मैं भी तो नहीं बताऊंगी. अच्छा, चोरी कर लूंगा इतना कोई नया आइडिया. नहीं नहीं नहीं, क्रिएटिव साइड पे ही होगा. मुझे चीजें क्रिएट करना अच्छा लगता है, मोर ऑन द आर्टी साइड. ठीक है मोइन भाई,
अब वो वक्त आ चुका है, क्रिकेट का शो है, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप हमें तो घरेलू शिकायतों से बाहर आए तो आपको अंदाजा हो कि हमें तो नहीं पता लगा क्रिकेट का शो है, बताएं। हां जी, जश्न मोहल्ला नहीं है, ठीक है। तो इसमें झगड़े चलते रहते हैं हम दोनों के। कल पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का मैच है। कुबरा को इसीलिए बुलाया गया क्योंकि इनके दिल भी में भी पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड चलता रहता है। मुइन भाई, आपसे पहले पूछूंगा, इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान, किस पे आप पैसे लगा रहे हैं? पाकिस्तान पे ऑफ कोर्स दिल तो चाहता है, दिल तो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, पैसे आपके दिमाग दिमाग नहीं मान रहा, बहुत बनाने की कोशिश की, नहीं मान रहा। मैं मनवाता हूं अभी, मैं फोन करता हूं लोगों को। ये कि मुझे बेटर टीम इंग्लैंड नजर आती है, नो डाउट, बट अगेन मैं कहूंगा पाकिस्तान जिस तरह पीक किया है, इस टीम को हराती है तो नेचुरली पाकिस्तान जो है वो नंबर वन कहलाने के हकदार होगी। मैन ऑफ द मैच, एमवीपी, मैन ऑफ द मैच, यार ये मुश्किल सवाल है। तो 11 में से एक बंदे को, 22 में से दो टीमें खेल रही है ना, आप हमारा पूछ रहे हैं, दोनों में से मैन ऑफ द मैच, मैच मैच जो जीतेगा, पहली तो बात ये है कि उसकी टीम में से होगा मैन ऑफ द मैच, हारी भी टीम जो जीतेगा वो मैन ऑफ द मैच होगा, जो अच्छा खेलेगा वो मैन ऑफ द मैच, ज्यादातर होता है, ज्यादातर मैं से पूछूंगा जी। इमाद, पाकिस्तान। आपका भी ताल्लुक है, ससुराली लगते हैं आपके इंग्लिस्तानी लोग? नहीं नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। कल जो मैच है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग। वाह। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छी की जो कि पूरे टूर्नामेंट करें, तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शादाब खान, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब खान। वाह भैया, शादाब ने बहुत अच्छा खेला। कुबरा, कल का मैच इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, हु आर यू सपोर्टिंग? अब ये मत कहिए पहली इनिंग्स में इंग्लैंड, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान, ड्रॉ लगेगा मैच। हां, ओके, ऑनेस्टली जब भी मैं पाकिस्तान खेलते हुए देखती हूँ, मुझे एक्चुअली लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, बिकॉज वी कैन बी सो अनप्रेडिक्टेबल, राइट? बट दिल ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान। हमारा भी दिल पाकिस्तान के साथ है, और मेरे तो बिल भी पाकिस्तान में ही आ रहे हैं मेरे भी। तो फिर हजरात, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, आज चांद रात है, आज आपने रच के सोना है, सही है, और आज की रवायत के मुताबिक हाथ उठा लीजिए, दुआ करने का वक्त आ चुका है, कुबरा को हाथ उठाना पड़ेगा, दुआ बहुत लाजमी है। अल्लाह मियां, अगला वर्ल्ड कप हो, पहली बात तो ये हो, दूसरी बात यह कि उसमें इमाद वसीम भी हो, और तीसरी बात ये पाकिस्तान की टीम में हो, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की वीजी भी लगवाने के चक्कर में आज वो तीन हजार अपना ख्याल कीजिएगा, जश्न क्रिकेट खत्म होता है, गुड नाइट एंड हाफिज़।